कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। यही हाल है पीएम मोदी के विरोधियों का, जो बिना जांचे परखे बस पीएम का विरोध ही करते हैं और बाद में जब उनकी कलाई खुलती है तो फिर दुबक कर बैठ जाते हैं। अब पीएम के इस बयान को ही ले लें, जिसमें वो लोगों को बायोगैस के बारे में बता रहे हैं और लोगों को एक चाय वाले का किस्सा सुनाकर प्रेरित कर रहे हैं। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। लेकिन भाई ये चमचों को कैसे अच्छा लगता, बस उड़ाने लगे पीएम का मजाक और कहने लगे कि बिना जाने पीएम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब रायगढ़ के उस चाय वाले की कहानी सामने आई तो पतली गली से निकल लिए। इसी तरह हिंदू अखबार की खबर पर भी चमचों ने खूब तंज कसा। लेकिन जनाब प्रतिभा तो प्रतिभा है, आप इसका कितना भी मजाक बना लो वो किसी से छुपती नहीं।